नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, जिनमें हम विनिमयशीलता के बारे में बताए हैं, और उसके बाद लिमिट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था, जिसमें हमने बताया लिमिट कितने प्रकार के होते हैं, लिमिट क्या होता है। उसके बाद हम टॉलरेंस की बात किए हुए थे कि टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं, और टॉलरेंस में हमने जो बताया था कि दो टॉलरेंस होता है, एक होता है यूनिलेटरल और दूसरा जो होता है बाइलेटरल होता है। टाइप्स की बात कर रहे थे हम टॉलरेंस की, तो यूनिलेटरल के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन किए हुए थे, बाइलेटरल टॉलरेंस जो है इसके बारे में डिस्कशन करना बाकी था। तो पहले हम उस बाइलेटरल टॉलरेंस की बात करेंगे। देखिए, मैं बता देता हूँ बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होता है। जो टॉलरेंस की बात आती है कि हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज, ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज, इट्स कॉल्ड टॉलरेंस। ये हो गया टॉलरेंस का डिफिनीशन। और फॉर्मूला की बात करें तो हाई लिमिट साइज माइनस लो लिमिट साइज इज इक्वल टू टॉलरेंस, ये फॉर्मूला होते हैं जिससे हम टॉलरेंस निकालते हैं। प्रकार की बात करें, दो प्रकार के अभी हमने बताया कि एक यूनिलेटरल और दूसरा जो होता है बाइलेटरल होता है। यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, यह जो है किसी भी जॉब के लिए, या तो होल हो या तो सॉफ्ट हो, इन दोनों के लिए ही टॉलरेंस की आवश्यकता पड़ती है। लिमिट फिट टॉलरेंस जो है सॉफ्ट और होल के लिए होता है, तो बात हम टॉलरेंस की कर रहे हैं और उसमें यूनिलेटरल की बात कर रहे हैं। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, यह जो है किसी भी होल या सॉफ्ट के एक तरफ में जो छूट दिया जाता है उसको यूनिलेटरल कहते हैं। और बाइलेटरल टॉलरेंस की बात करें तो यह जो है या तो होल हो या सॉफ्ट हो, इन दोनों के लिए दोनों साइड में छूट प्रदान किया जाता है, दोनों साइड में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया जाता है, गैप दिया जाता है, जिसको हम बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिए हैं। आज बाइलेटरल के एग्जाम्पल दे करके हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो हमने बताया अभी बाइलेटरल टॉलरेंस, जिसमें दोनों तरफ कुछ ना कुछ छूट दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ आपको एक नॉर्मल ड्राइंग बताऊंगा और उसमें मेजरमेंट लिखूंगा, माप करके एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि जो होता है बाइलेटरल टॉलरेंस कैसे दिया जाता है और ये क्या होता है। चलते हैं अपने, बाइलेटरल टॉलरेंस होता है, यह बेसिक साइज के दोनों तरफ दिया जाता है, ऊपर और नीचे दोनों, होल और सॉफ्ट दोनों। जैसे हमारे पास कोई सपोज एक जॉब है, ठीक है, ये जो है यह इसका डॉटम लाइन है यहां पर। तो देखिए, हमने क्या बताया, बाइलेटरल टॉलरेंस की बात किया जा रहा है। बाइलेटरल में क्या होता है कि दोनों तरफ छूट प्रदान किया जाता है। यूनिलेटरल में क्या था कि होल हो या सॉफ्ट हो, उनके एक ही तरफ छूट प्रदान किया जाता था, लेकिन बाइलेटरल में क्या होता है, इसमें दोनों तरफ छूट प्रदान किया जाता है। जैसे ये हमारा जॉब है, ये है इसका बेसिक साइज, ये जो है इसका बेसिक साइज है जो हमने अभी ये दिखाया है, उसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए, इससे कम भी और इससे ज़्यादा भी, ये जो है मैक्सिमम साइज और ये है मिनिमम साइज, तो ये हो गए बाइलेटरल टॉलरेंस, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे ये जो अभी हमने बताया, ये बाइलेटरल टॉलरेंस के बारे में अभी हम बता रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझेंगे। जैसे सपोज हमारे पास कोई जॉब है, मतलब कोई एक साइज है, जैसे हो गया ये 25 और इस पे जो है प्लस में दिया है 0.03 और माइनस में दिया है 0.02, ठीक है। ये जो है यह हो गया बेसिक साइज और ये दोनों जो है उस पर छूट दे दिया गया है, ठीक है। इसमें हाई लिमिट की बात करें तो 25 में ये ऐड होगा और लो लिमिट की बात करें तो ये माइनस होगा, ठीक है। बात करते हैं इसके जो है बाइलेटरल टॉलरेंस के बारे में, इसमें जिक्र करेंगे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, ये जो जॉब है इसमें क्या है, बेसिक साइज की हम बात करें तो बेसिक साइज हमारा 25 हो गया। इस तरीके का हम एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रहे हैं, जैसे 25, हाई लिमिट की बात करें, हाई लिमिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 25.03 mm, और लो लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा 24.98 mm। इस जॉब के लिए जो है हाई लिमिट साइज की बात करें तो हमारे पास 25.03 mm, लो लिमिट साइज की बात करें तो 24.98 mm, ये हो गया लो लिमिट साइज। टॉलरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो टॉलरेंस होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, हम यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल दिखा है वैसे ही एग्जांपल करके आपको दिखाएंगे, जिससे ये बिल्कुल समझ में आपको आएगा कि 25
प्लस में जो है 0.03 और माइनस में 0.02 के लिए बायलेटरल टॉलरेंस कैसे दिया जाता है। हमारे पास हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज दोनों निकल के आ चुके हैं। अब हम इस ड्राइंग के थ्रू इस प्रकार के ड्राइंग बना करके इस साइज को दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारे पास ये 25 mm का जो है जॉब है, ये इसका डॉटम लाइन है, ठीक है। इसमें जो है ये हो गया 25 mm का जॉब। अब इसमें क्या है कि हाई लिमिट साइज की बात करें तो ये हो गया हमारे पास हाई लिमिट साइज, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है बिल्कुल समझिएगा, 25 से यहाँ से यहाँ तक जो है यह बेसिक साइज है, यह है 25 mm, ठीक है। और हाई लिमिट साइज की बात करें तो ये जो पॉइंट, ये जो बड़ा है, ये जो बड़ा है ये हो गया 25.03, यानी ये मैक्सिमम साइज, तो ये जाके हो गया 25.03। और इसमें मिनिमम साइज की बात करें तो 24.98 है, तो यही जो है ये बेसिक साइज, ये कम होके इतना हो जाएगा। ये जो जॉब हमें मिल गया है ये जो हो गया, ये हो गया 24.98, यानी ये जो है बेसिक साइज है, ये इसका डॉटम लाइन है, एक ये टॉलरेंस है और एक ये टॉलरेंस, माने ये छूट है, ठीक। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा वह टॉलरेंस होगा, और ये जो है, ये जो टॉलरेंस जो दिखाया जा रहा है ड्राइंग में इस साइज के लिए, तो ये जो है बायलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। अब इसमें से इसको घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0.05 mm, देखिए ये जो है टॉलरेंस बन गया और ये बायलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है, ठीक है। फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं हम, आगे चलेंगे बात करेंगे, लिमिट हो गया, टॉलरेंस हो गया, लिमिट कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हमने जिक्र किया, उसके बाद टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने बताया, फिर बात करते हैं फिट की, फिट क्या होता है, ठीक है। अब अगला जो है हम फिट की बात करेंगे कि फिट क्या होता है, ठीक है। जैसे फिट बताने से पहले मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए इसमें जो है एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ जिसमें टॉलरेंस निकालने हैं और पता नहीं है कि यूनिलेटरल है कि बायलेटरल है, वैसे अभी हम बायलेटरल की ही बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये जो है देखिए ये यूनिलेटरल की हम बात करें, टॉलरेंस दो प्रकार की होती है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो यूनिलेटरल में हम जो है यह देखिए ये दे रहे हैं 25, ये जो है एक ही तरफ दिया जाता है, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, यानी ये हो गया 25.00 और फिर ये प्लस 0.02, यह है यूनिलेटरल। बायलेटरल की हम बात करें, दूसरा जो है बायलेटरल की बात करें तो ये हो गया 25, उसके बाद प्लस में हो गया 0.04 और ये हो गया माइनस में हो गया 0.02, ठीक। अब दोनों के हम टॉलरेंस निकालते हैं, होल लो लिमिट साइज और हाई लिमिट साइज दोनों निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो है बेसिक साइज हो गया, पूछा जाएगा ऐसे एग्जाम्पल देकर के पूछा जाता है बेसिक साइज बताएं, तो हमारे पास 25 mm बेसिक साइज हो गया। हाई लिमिट साइज पूछा जाएगा तो 25 प्लस में 0.02 है तो यही होगा, और ये भी प्लस में ही है, तो जब हाई लिमिट की बात करेंगे तो 25.02 होगा, लो लिमिट की बात करेंगे तो 25 होगा, ठीक। देखिए ये जो है 0.00 है और इसमें है 0.02 है, तो यह जो हाई लिमिट की बात करें तो हमारे पास हाई लिमिट 0.02 होगा, लो लिमिट की बात करें तो 0.25 mm ही होगा, ठीक है। यानी हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का जो अंतर होता है वह टॉलरेंस होता है। तो आपके पास हाई लिमिट, हाई लिमिट साइज जो है वह हो जाएगा 25.02, और लो लिमिट साइज की बात करें, लो लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा 25.00। अब इसके बीच का टॉलरेंस की बात करें, डिफरेंस दोनों का निकाल देंगे तो हमारे पास 0.02 mm आ जाएगा, ये हो गया टॉलरेंस। इसके लिए बात करें, ये जो है यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल का एग्जांपल है, बायलेटरल की बात करें तो इसमें जो है हाई लिमिट साइज की बात करें, हाई लिमिट साइज की बात करें तो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 25.04, और लो लिमिट साइज की बात करें तो लो में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 24.98। फिर टॉलरेंस की जब हम बात करें, दोनों के बीच का अंतर जो निकाल देंगे तो ये हमारे पास टॉलरेंस आ जाएगा, यानी 0.06, ये जो है टॉलरेंस हमारे पास आ गया, ठीक है। ये जो है यूनिलेटरल है और ये जो है बायलेटरल है, इसमें दोनों तरफ छूट दिया गया है, एक प्लस में है एक माइनस में है, जबकि इसमें क्या होता है दोनों प्लस में ही है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जहाँ भी कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, मैं तुरंत जवाब दूंगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए। फिर चलते आगे हम बात करेंगे अब
फिट की, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं फिट के बारे में बात करेंगे। तो फिट जो होता है, देखिए कोई भी मशीन होता है, कोई भी टूल्स होता है, जब किसी भी मशीन के पार्ट्स को, एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स में फिट किया जाता है, तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है। यानी किसी भी पार्ट्स को फिट जब किया जाता है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एक, कुछ ना कुछ गैप होता है, जिस गैप को हम फिट देते हैं। और वो फिट जो होता है, फिट की वजह से वो पार्ट एक दूसरे में आसानी से सेट हो जाते हैं और वो प्रॉपर वे में काम करने लगते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के फिट होते हैं। अब इन तीनों प्रकार के फिट में भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला जो है हमारे पास क्लियरेंस फिट होता है, उसके बाद आता है इंटरफेरेंस फिट, और तीसरा जो है ट्रांजिशन फिट। फिट की हम बात करें, दो पार्टों को जब आपस में जोड़ा जाता है, होल और साफ, घिसने वाले पार्ट्स, रगड़ खाने वाले पार्ट, एक दूसरे के ऊपर फिट होने वाले पार्ट्स, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ गैप होता है ताकि वो बिल्कुल प्रॉपर व आसानी से काम करें। इनको हम फिटिंग कहते हैं। और ये जो है तीन प्रकार के होते हैं, पहला जो है क्लियरेंस फिट, दूसरा इंटरफेरेंस फिट, और तीसरा जो है ट्रांजिशन फिट। इन तीनों के बारे में भी हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो क्लियरेंस फिट क्या होता है इसके बारे में अब हम जानते हैं, जानेंगे। क्लियरेंस फिट में देखिए, ये जो है कोई भी होल होता है और शाफ्ट होता है, तो जब शाफ्ट जो है होल के अंदर बिल्कुल अच्छे से घूमता है, रोटेट होता है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वह क्लियर है, यानी वह क्लियरेंस फिट है, ठीक है। इसमें जो है क्लियरेंस फिट की बात करें तो पॉजिटिव अलाउंस होता है। फिर बात आती है अलाउंस क्या है, तो अभी हम बताएंगे कि अलाउंस क्या होता है। अब क्लियरेंस फिट में भी टाइप्स होते हैं। पहला जो है रनिंग फिट होता है। रनिंग फिट में भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज रनिंग फिट, दूसरा जो होता है नॉर्मल रनिंग फिट, और तीसरा जो है स्लैक रनिंग फिट। उसके बाद रनिंग फिट के बाद आती है बात स्लाइड फिट की। इसमें क्या होता है, रनिंग फिट में एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स के अंदर आसानी से घूमता है, रनिंग करता है, उसको रनिंग फिट कहते हैं। स्लाइड फिट में क्या होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट पे स्लाइड करता है, इसको स्लाइड फिट कहते हैं। तो ये हो गए क्लियरेंस फिट के प्रकार, रनिंग फिट और स्लाइड फिट। फिर बात आती है इंटरफेरेंस फिट की। तो इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, ये भी इस प्रकार के फिटिंग में शाफ्ट का साइज बड़ा और होल का साइज छोटा होता है। ये जो फिट होता है इसमें शाफ्ट बड़ा होता है और होल छोटा होता है, इसको इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। और इसमें जो है ड्राइव फिट होता है, फोर्स फिट होता है, और श्रिंकेज फिट होता है। ड्राइव फिट, फोर्स फिट और श्रिंकेज फिट इंटरफेरेंस फिट के एग्जांपल है। फिर बात आती है ट्रांजिशन फिट की। तो इस फिट में क्या होता है कि क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट, इन दोनों के बीच की जो फिटिंग होती है वह ट्रांजिशन फिट होती है। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट, इन दोनों के बीच का जो फिट होता है वह जो होता है ट्रांजिशन फिट होता है। ट्रांजिशन फिट में जो है पुश फिट आता है। फिट जो होता है, पहला जो फिट होता है क्लियरेंस फिट, यह शाफ्ट होल के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगता है। जब शाफ्ट जो होता है वह किसी होल के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगता है, तो इस प्रकार के फिट को क्लियरेंस फिट कहते हैं। इसमें हमेशा पॉजिटिव अलाउंस होता है। क्लियरेंस फिट में हमेशा पॉजिटिव अलाउंस होता है। और देखिए इसमें अब क्लियरेंस फिट के टाइप्स की बात करें तो इसमें रनिंग फिट आता है। रनिंग फिट में क्या होता है, जब एक पार्ट एक दूसरे के अंदर आसानी से घूमता है तो उसे रनिंग फिट कहते हैं। रनिंग फिट में एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर आसानी से फिट हो जाता है तो उसको रनिंग फिट कहते हैं। और जैसे इसमें रनिंग फिट के एग्जाम्पल में बूस, बियरिंग और शाफ्ट आते हैं। और अलाउंस के अनुसार यह तीन प्रकार के होते हैं। रनिंग फिट जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है क्लोज रनिंग फिट, दूसरा नॉर्मल रनिंग फिट, और तीसरा जो है स्लैक रनिंग फिट। उसके बाद स्लाइड फिट आता है। स्लाइड फिट में क्या होता है कि इसमें रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है और इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर या ऊपर आगे पीछे स्लाइड करता है, जिसको हम स्लाइड फिट कहते हैं। इसमें जो है सेपर मशीन का एग्जांपल आता है। स्लाइड फिट के बारे में देखा जाए तो सेपर मशीन, प्लेनर मशीन, ये सब जो है स्लाइड फिट के एग्जाम्पल में आते हैं। फिर आते हैं इंटरफेरेंस फिट क्या होता है। तो इंटरफेरेंस फिट जो होता है, इस प्रकार की फिटिंग में शाफ्ट का साइज, यानी शाफ्ट का जो व्यास है वह बड़ा और होल का व्यास है वह छोटा होता है, इसलिए यह फिट जो है रुकावट पैदा करता है और उसे फिट करने के लिए अधिक दबाव या बल दिया जाता है, इसलिए इसे इंटरफेरेंस फिट कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का लिमिट होल के लिमिट से बड़ा होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, शाफ्ट का लिमिट होल के लिमिट से बड़ा होता है, ठीक है।
और टॉलरेंस जोन का साफ्ट, टॉलरेंस जोन जो होता है वह साफ्ट के होल के टॉलरेंस जोन से बड़ा होता है। फिर बात करते हैं इंटरफेरेंस फिट कितने प्रकार के होते हैं। तो इंटरफेरेंस फिट देखिए, पहला जो है ड्राइव फिट होता है। इस प्रकार की फिटिंग में साफ्ट को जबरदस्ती फिट करने के लिए हैमर की चोट दिया जाता है, जिसे ड्राइव फिट कहते हैं। इसमें चोट दिया जाता है, चोट की सहायता से, हैमर की सहायता से इस प्रकार की फिटिंग की जाती है। और यह फिटिंग लाइट, मीडियम और हेवी ड्यूटी तीनों के लिए होता है। यानी देखिए, यह जो ड्राइव फिट है यह लाइट यानी छोटे छोटे काम, मीडियम यानी मध्यम, और उसके बाद हेवी ड्राइव के लिए, तीनों के लिए किया जाता है। फिर आगे चलते हैं फोर्स फिटिंग। इसमें क्या होता है कि साफ्ट और होल के व्यास में अधिक अंतर होता है। फोर्स फिटिंग में क्या होता है, साफ्ट और होल के बीच में ज़्यादा का गैपिंग होता है, और इसमें भी साफ्ट का, साफ्ट में बड़ा साइज होता है, और इसे फिट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। फोर्स फिटिंग की बात हो रही है। उसके बाद फोर्स फिटिंग के बाद जब आती है तो श्रिंकेज फिटिंग आता है। श्रिंकेज फिटिंग में क्या होता है, देखिए इसमें जो है होल का साइज कम और साफ्ट का साइज अधिक होता है। श्रिंकेज फिटिंग में क्या होता है, होल साइज बड़ा और साफ्ट साइज छोटा होता है, और दोनों पार्टों को फिट करने के लिए होल पार्टों को जो है, होल जो होता है, होल को गर्म किया जाता है, और ज़्यादा गर्म किया जाता है, लाल कर दिया जाता है, और उसके बाद गर्म करने पर उसका साइज बढ़ जाता है, और उसके बाद उसमें जो है ठंडे पार्ट के को उसमें डाला जाता है, और सिकुड़ने के बाद वह एक दूसरे में फिट हो जाता है। जैसे श्रिंकेज फिट में रेलवे एक्सल ये सब आते हैं, और बैलगाड़ी के पहिए की जब बात आती है, ऐसे करके ये एक दो नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है कि श्रिंकेज फिट का एग्जांपल क्या है, बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाना, ठीक है। और जो है ड्राइव फिट की बात करें तो ये जो है चोट दे करके किया जाता है, ये जो है लाइट, मीडियम और हैवी तीनों के लिए किया जाता है। फिर आगे चलते हैं ट्रांजिशन फिट की। तो जो है पहला ट्रांजिशन फिट की हम बात करें तो ट्रांजिशन फिट क्या होता है, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट दोनों के बीच का जो फिट होता है वह ट्रांजिशन फिट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुश फिट आता है और एक होता है टाइट फिट। ये जो है ट्रांजिशन फिट में पुश फिट और टाइट फिट दोनों आते हैं, ठीक है। पुश फिट में क्या होता है, इस प्रकार की फिटिंग में दोनों पार्टों को हाथ से हल्के दबाव दिया जाता है, यानी पुश किया जाता है। जैसे एक पार्ट ये होगा, ये दोनों पार्ट, और इसको पुश किया जाता है, तभी जाके अच्छे से बैठ जाता है। तो इस प्रकार इसे ट्रांजिशन फिट में हम रख सकते हैं, ट्रांजिशन में पुश फिट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फिट के प्रकार। फिट कितने प्रकार के होते हैं, तो फिट जो है मुख्यतः तीन प्रकार के, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। अब तीनों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, और ये एग्जाम्पल करके अभी हमने बताया, तो इसको अच्छे से समझेंगे आप। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आज आपको कि फिट क्या होता है, और उससे पहले हमने बताया कि जो टॉलरेंस में जो दूसरा टॉलरेंस होता है बाइलेटरल टॉलरेंस, उसके बारे में बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।